नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। आज हमने एक नया अपडेट लाया हुआ है रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में, जो मोबाइल शॉप में किस तरीके से रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, हम आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ने यही पूछा गया था, जैसा हमने जो गारमेंट्स का बनाया था और हमने जो सुपरमार्केट का सब संविधान किया था, फुटवेयर आइटम्स का जो शॉप का जो सारा सिस्टम बनाया था, तो ये जो मोबाइल शॉप को क्यों नहीं बना रहे बोल के बहुत सारे कस्टमर का इंक्वायरी आया। इसलिए हमने हमारा टीम जो है बहुत मेहनत करके मोबाइल शॉप के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर को तैयार कर दिया। ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि मोबाइल शॉप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका जो आईएमईआई नंबर का जो रिकॉर्ड्स में आना चाहिए, बिल में भी आना चाहिए, सब कुछ। जब भी प्रोडक्ट ऐड करेगा तो आईएमईआई नंबर का थ्रू ऐड करेंगे। अगर इनकेस आपको अपना शॉप का नाम पे एक बिल बनाकर चिपकाना है विथ आईएमईआई नंबर, वो भी रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ हो सकता है। और नंबर वन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, जैसा फॉर एग्जाम्पल सालों के बाद, बहुत बहुत सालों के बाद अगर कोई आदमी आके आपको पूछा गया ये जो आईएमआई नंबर का मोबाइल किसने खरीदा था आपसे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक आईएमआई नंबर आपके पास लेके आया, ये मोबाइल कौन खरीदा था, ठीक है, तभी रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में जस्ट वो आईएमआई नंबर टाइप करेंगे, तुरंत आपको दिखाई देंगे कौन आदमी आपसे परचेज किया हुआ है। इतना सिंपल सा वे में हमने रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में आईएमआई नंबर का और जो मोबाइल शॉप के लिए जो सिस्टम बनाया गया हुआ है। और जैसा फॉर एग्जांपल मोबाइल शॉप में जो नॉर्मल आइटम्स होती है, जैसा हेडफोन होती है, जैसा मेमोरी कार्ड होती है, जैसा यूएसबी होती है, जो भी केबल वगैरह होती है, वो नॉर्मल तरीके से भी ऐड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इस तरीके से वेरी सिंपल सा वे में हमने रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में आईएमआई नंबर का संविधान किया हुआ है। मैं आपको एकदम क्लियरली दिखा देंगे अपना सॉफ्टवेयर के अंदर वो किस तरीके से आईएमआई नंबर सॉफ्टवेयर में डाल देंगे और किस तरीके से सेल करेंगे। इसी आईएमआई नंबर में स्कैन किया तो तुरंत सेल भी हो जाएंगे आपको, इस तरीके से सिस्टम बनाए हुए आप देख लीजिए। ये जो सिस्टम आपको अपना शॉप में इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कोई भी एक लैपटॉप और डेस्कटॉप आपने लगाना पड़ती है अपना शॉप में, और आपको चाहिए एक बारकोड का जो गन चाहिए, एक बारकोड का जो स्कैनर होती है, जो टीवीएस का जो भी एक बारकोड स्कैनर, टीवीएस का बहुत अच्छा बारकोड स्कैनर है। हम भी जो भी ऑर्डर नया आती है हमसे जो भी रिक्वेस्ट करते मतलब रिक्वायरमेंट आती है जो कस्टमर को जो शिपिंग करने के लिए, तो हम भी अपना जो टीवीएस का जो बारकोड स्कैनर ही प्रोवाइड करता है। और आपको चाहिए एक प्रिंटर चाहिए, कोई भी थर्मल प्रिंटर होने दो, अभी ये पुराना वर्षन है, अभी नया वर्षन भी आया हुआ है इसको, एक्सपी 470B बोल के जो मॉडल जो है, ये वाला मॉडल जो है हमने जो भी नया हम कॉम्पो पैक जो भी ऑर्डर करता है यही वाला प्रिंटर हमने डिलीवरी करता है, जो एक्सपी 470B जो है। और बारकोड गन हमने जो पहले जो टीवीएस मतलब चाइनीज का दे रहा था, अभी टीवीएस का जो बारकोड गन शिपिंग कर रहे हैं, और बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसके साथ, और कुछ पेपर रोल एंड स्टिकर रोल सब कुछ है। हमने 16,500 जो पैकेज प्रोवाइड करता है। और देखेंगे हमने ये जो रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में, फॉर एग्जांपल ये जो नोकिया का मोबाइल है, ये हमारे पास नया आया हुआ, हमने शॉप चला रहे हैं, हमारे पास नया एक मोबाइल आया हुआ है, ये हमने शॉप में रिसीव करना है, उसके बाद हमने इसको सेल आउट भी करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसका पीछे जो है आईएमईआई नंबर आपको दिखाई देती है, आई थिंक देयर इज एन आईएमईआई नंबर। ये जो आईएमईआई नंबर के हिसाब से आईएमईआई नंबर इसको इसमें सेव करना पड़ती है, आपको दिखाई देती है, आई थिंक यू कैन सी दिस, यस ये आईएमईआई नंबर, दो आईएमईआई नंबर, लेकिन दोनों का बारकोड एक ही है। अगर ये वाला बारकोड भी स्कैन करो या ये वाला बारकोड भी स्कैन करो, आपको पहले वाला आईएमईआई नंबर का रिकॉर्ड आएंगे। इसलिए हमने एक ही आईएमईआई नंबर अपना मतलब एक ही बारकोड कोई भी स्कैन करो, सेम बारकोड है, एक ही बारकोड स्कैन करके हम अपना सिस्टम में ये जो मोबाइल सेव कर सकता है। और जब भी आपने सेल करते वक्त आप सीधा सीधा ये जो आईएमईआई नंबर को ही स्कैन करो, सेल कर सकता है। और उसके अलावा इनकेस आपको चाहिए एक आपका दुकान का नाम पे एक बारकोड इधर चिपकाना है विद आईएमईआई नंबर, ये भी रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है। तो ये हम देखेंगे किस तरीके से ये सब चीज़
सेट कर देंगे, हम दिखा देंगे आपको। ये जो हमने अभी रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक मोबाइल फोन आया हुआ है, ये भी हमको ऐड करना है, और कुछ दूसरा आइटम भी समझ लो, फॉर एग्जाम्पल ये प्लग है, ये भी हमने ऐड करना है, ठीक है जी, कोई अडाप्टर समझ लीजिए, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट हमने ऐड करना है, ये दोनों किस तरीके से, ये जो दोनों चीज़ हमने ऐड करेंगे देखेंगे। आप सीधा प्रोडक्ट्स में जाइए, देखो प्रोडक्ट्स में जाइए, सबसे पहले आप टाइप कर दीजिए इसका जो नाम जो है, नोकिया A1 नाम है इसका जो मोबाइल फ़ोन का, नोकिया A1 करके जो है, ठीक है जी। ये आपने इधर टाइप कर दिए नोकिया वन नाम है इसका, ठीक है जी। और आपने इसके नीचे आ जाइए, नीचे आकर के HSN कोड में कोई भी एक नंबर डाल दीजिए, अगर HSN नंबर है तो आप डाल दीजिए, कोई बात नहीं। और पार्ट नंबर और IMEI नंबर में देखो इधर दिखाई देती है आपको, यहाँ सीधा उठा करके आपने जो IMEI नंबर जो पीछे है, जो बारकोड इधर है, जो पीछे जो बारकोड होती है, इसको सीधा सीधा स्कैन करना। देखो इसको मैंने इस तरीके से सीधा स्कैन कर लिया मैंने, तो तुरंत वो जो बारकोड वहाँ पहुँचाती है, देखो पार्ट नंबर जो है वो आया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक कलर का है, देख लो BLAC के ब्लैक कलर का समझ लो, ब्लैक कलर का मोबाइल फ़ोन है, हैंडसेट जो है ब्लैक कलर का है। इसका प्राइस फॉर एग्जाम्पल हमको ये 3000 रुपया में हमें मिला हुआ है, और सेल करते हैं हमने 3500 में सेल करता, 3500 में हमने सेल कर दे रहा हूँ। और इसका रीऑर्डर पॉइंट मतलब आप ये वाला सेम पीस, एक ही पीस है, और रीऑर्डर पॉइंट आपने एक ही डाल सकता है, यानी वो मिनिमम क्वांटिटी अवेयरनेस है, आपको जीरो भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। आपने इसको जो पीसेस में डाल दीजिए, पीसेस में डाल दीजिए, और इसका जो GST आपने 18% समझ लो, 18% 9+9 डाल सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से 9+9 आपने GST डाल दिया और सेव कर दिया, तो तुरंत जाके ये जो मोबाइल फ़ोन अपना सिस्टम में सेव हो चुका है, यानी क्लियरली सेव हो गया, सीधा क्लोज कर सकता है। आपने जो स्टॉक में जाके चेक किया तो, स्टॉक इन रिपोर्ट में जाके चेक किया तो देखो आपको इधर दिखाई देते नोकिया मोबाइल फ़ोन, ये इधर आया हुआ है। और जैसा फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आपके पास आया हुआ है, और दूसरा फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज़ भी ऐड करने के लिए भूल गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रोडक्ट्स में फिर गया, अडाप्टर लिखा ADAPTOR अडाप्टर लिखा, और मैंने लिखा इधर 1 2 3 जो भी है आपने लिख लीजिए, पार्ट नंबर का जरूरत नहीं है अडाप्टर को, ये सीधा सीधा ऐसे ही सेल हो जाती है। और ये जो हमने 30 रुपये में लिया हुआ है और 60 रुपीज़ में सेल करता है, और रीऑर्डर पॉइंट आपने 4 लिखा, और ओपनिंग स्टॉक समझ लो 100 रुपीज़ रखा। ये जो अडाप्टर मैंने किस लिए दिखा रहा हूँ, मतलब आपका फॉर एग्जाम्पल आपका हेडसेट होती है, आपका USB होती है, आपका जो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पिन वगैरह होती है, अडाप्टर्स होती है, चार्जर होती है, ये सब चीज़ इसी मतलब इस तरीके से ऐड कर सकते हैं जैसा मैंने अडाप्टर ऐड करती है, ठीक है जी। 100 पीस 200 पीसेस में आती है, उसमें कोई GST मतलब IMEI नंबर का कोई ये नहीं है उसमें, फॉर एग्जाम्पल 9+9 18% GST है समझ लो, आपने ये पीसेस में डाल सकता है यूनिट्स, ठीक है जी। आपने इस ये भी सेव कर दिया, ये देखो इसमें जाकर आपने स्टॉक में जाके चेक किया, तुरंत स्टॉक में आपको दिखाई देंगे, देखो अडाप्टर इतना है, देखो अडाप्टर लिखा हुआ है, ये 100 पीस का स्टॉक है। तो उसके बाद आप जब भी ये सेल करना चाहती हो, जैसा कोई कस्टमर आपसे ये जो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आपका शॉप पे आया हुआ है, तो हम किस तरीके से सेल करेंगे ये देखेंगे। इसके लिए आपने जाना है POS में, जाना है POS में जाके जो भी प्रोडक्ट आप सेल करोगे ना, तो कोई कस्टमर के नाम पे सेल करना है। तो सबसे पहले इधर ऊपर आपको एक जगह दिखाई देती है, देखो ये जो जगह, इधर कस्टमर का नाम ऐड कर सकता है। अब जब भी आपने मोबाइल करता है ना, कोई कस्टमर के नाम पे सेल करो, वो आपको अच्छा रहेगा और सेफ रहेंगे। तो ऐड कस्टमर बोल के एक बटन है इधर, हम इसको इधर लिख देंगे, कोई सुमन, उसका नाम है सुमन, SUMN सुमन नाम का एक आदमी है, उसको हमने सेल कर रहा हूँ। उसका कौन सा स्टेट है समझ लो, केरला ही डाल दिए आपने, केरला डाल दिया इधर, केरला, केरला डाल दिया मैंने। और कोई भी एक बार कोड आपने ऐड कर सकता है इसमें, और उसका नंबर, मोबाइल नंबर 7878 करके जो भी मैंने एग्जाम्पल के तौर में डाल दिया, ये आपने सेव कर दीजिए, उसको सक्सेसफुली सेव हो गया। और उसी के नाम पे इधर, उसी का नाम इधर सेलेक्ट कर देना, सुमन बोल के, सुमन जो नाम है ना, वो सुमन नाम इधर आपने सेलेक्ट कर दीजिए, देखो सुमन, ये नाम है जो सुमन।
इसको हमने सेल करना है। तो ये सेल कैसे करता है, मैंने बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल सुमन को ये जो दोनों चीज हमको सेल करना है, एक तो मोबाइल फोन जो है ये उनको सेल करना है और ये जो अडाप्टर भी सेल करना है उसको, समझ लीजिए हमारे पास बहुत सारा सामान है लेकिन सब हम फिलहाल इसी चीज उसको सेल करना है। तो सीधा सीधा जो पार्ट नंबर जो होती है आईएमई नंबर आपको दिखाई देती है, देखो इधर दिखाई देती है आईएमई नंबर जो भी है इधर जो डाला हुआ है रेंडेक पीओएस ने अपडेट करके, तो इसका जो पीछे जो आईएमई नंबर का जो बार कोड होती है आपको दिखाई देती है, सूम करता है मेरे ख्याल से, यस ये बार कोड को सीधा सीधा आपने सीधा सीधा इसको स्कैन कर दीजिए तो सॉरी ये तुरंत उधर आ जाएंगे, देखो तुरंत वो सॉफ्टवेयर में आया हुआ है आप। और उसके बाद ये जो ये वाला चीज है ना अडाप्टर, वो आपने इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकता है, देखो अडाप्टर बोल के आप इधर देना ड्रॉप डाउन मेन्यू सिस्टम है दिया हुआ है उधर से आपने सेलेक्ट भी कर सकते हैं अडाप्टर कितना पीस है वो भी आपने ऐड कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट भी कर सकता है। तो बाद में आपने सीधा जाइए सेटल कर दीजिए, सुमन का नाम पे सेटल कर दे रहा हूँ, उसका तुरंत एसएमएस भी पहुंचेगा जैसा आपने उसका मोबाइल नंबर डाल दिया, हमारा रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर से कस्टमर का मोबाइल पे तुरंत एसएमएस पहुंचेगा इतना अमाउंट का, इतना बिल, इतना जो भी है करके इमीडिएटली बिल जाएंगे। समझ लो इन्होंने 5,000 रुपये का जो पैसा दिया हुआ है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पैसा देने के पहले फॉर एग्जाम्पल 4,201 रुपये का है, समझ लो आपको डिस्काउंट देना है उसको, उन्होंने डिस्काउंट बहुत मांग रहा है, तो आपको यहाँ फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये राइट ऑफ अमाउंट आप जो मर्जी चाहिए आपने लिख सकते हैं जो डिस्काउंट देना है, तुरंत वो टोटल अमाउंट से इधर माइनस हो जाएंगे, देखो दिख सकता है आपको, ठीक है ना। तो बाद में फॉर एग्जाम्पल समझ लो उन्होंने 5,000 का करेंसी दिया हुआ है हमको, कितना बैलेंस देना है 800 उसको बैलेंस देना है। उसके बाद एक खास चीज आपको इधर दिखाई देंगे, देखो रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में इतने सारे टेम्पलेट्स डाला हुआ है बिल करने के लिए, यानी आपको बिल का फॉर्मेट के लिए A4 का A5 का यानी 2 इंच 3 इंच 3 इंच मिनी 3 इंच एस्टिमेट बिल, ये सब कुछ ऑप्शंस डाला हुआ है, आप कोई भी एक उसमें से सेलेक्ट कर सकता है कोई भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने GST वाला ही सेलेक्ट कर दिया अभी फिलहाल के लिए, मैंने सेव एंड प्रिंट दे रहा हूँ, सेव एंड प्रिंट कर दिया मैंने, देखो सेवा ने प्रिंट कर दिया, यहाँ आपको प्रिंट आना चाहिए, देखो मेरा सामने इधर प्रिंट आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इसमें आपको वेरी क्लियर तरीके से देखो सबसे ऊपर आपका जो कंपनी का नाम है और आप मेरा मोबाइल सूम कर रहे हैं ना, यस उसका नीचे आपको मोबाइल फोन का डिटेल्स आपको इधर दिखाई देती है, देखो प्लीज सूम या देखो ये जो मोबाइल फोन का डिटेल्स है, अडाप्टर का डिटेल्स जो है, और इसमें क्या है ना देखो आपको GST जोड़ के आया हुआ है, मोबाइल फोन का जो हमने जो प्राइस डाला हुआ है उसमें प्लस GST आया हुआ है। ये हमारा जो रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में दोनों ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो अमाउंट डालता है, फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपये एक प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, ये 3,000 में GST इंक्लूड भी कर सकता है, 3,000 प्लस GST भी कर सकता है, ये दोनों संविधान एक बटन क्लिक चेंज करने से आपको ये भी आपको संविधान चेंज कर सकता है। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इन केस इस तरीके से हमने प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आती है, कोई प्रोडक्ट को अगर बारकोड बना के उसमें चिपकाना है तो बारकोड बनाने के लिए संविधान इधर दिया हुआ है, देखो सर फॉर एग्जाम्पल देखो आईफोन कोई भी एक मोबाइल फोन जो भी होने दो, अडाप्टर का भी होने दो, देखो मोबाइल फोन का बारकोड के लिए हमने एक स्पेशल बारकोड इधर बनाया हुआ है, आपने कितना पीस बारकोड चाहिए इधर क्वांटिटी डालना है सबसे पहले, फॉर एग्जांपल 5 पीस तभी वो जाके प्रिंट हो जाएंगे, देखो ये IMEI नंबर इधर क्लिक कर दिया, देखो आपका मोबाइल फोन का शॉप सबसे ऊपर आ जाएंगे, iPhone 7 करके आया हुआ, उसका प्राइस आया, बारकोड आया, कलर आ गया ब्लैक कलर हो रहा है, IMEI नंबर इधर आया हुआ है, सबसे ऊपर आपका शॉप का नाम है सॉरी, ठीक है जी। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन ये जो बारकोड में आ जाएंगे, चाहिए तो आपको ये बारकोड भी प्रिंट करके अपना मोबाइल में चिपका सकता है, ये संविधान भी अपना रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। और जैसे छोटा छोटा प्रोडक्ट आती है उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बारकोड हमने डाला हुआ है, जैसा ये वाला जो इसका बारकोड बनाना है आपने फॉर एग्जाम्पल अपना अडाप्टर को, देखो इसके लिए छोटा वाला साइज का भी बारकोड इधर दिया हुआ है, देखो 2 इंच का भी बारकोड है, देखो जनरेट बारकोड, देखो 2 इंच का बारकोड है, यानी छोटा साइज का बारकोड है, ये भी आपको दिख सकता है।
ठीक है ना, इस तरीके से भी हमने संविधान इसमें बनाया हुआ है। आपको मैंने चाहिए तो एक बार कोड भी इसमें चाहिए तो प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बार कोड सेम प्रिंटर में, देखो हमारा जो प्रिंटर हम देती है कॉम्बो प्रिंटर होती है जिसमें आपको बिल भी बना सकता है बार कोड भी बना सकता है, ठीक है ना। मेरा पिछला वीडियो भी देख लेना, मैंने किस तरीके से बार कोड इसमें बनाते हैं हम दिखाते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, जैसे हमने मोबाइल फोन जैसा चीज सेल करता है, ये किसको सेल किया? फॉर एग्जाम्पल 2-3 साल के बाद कोई आदमी हमसे आके पूछा, ये जो IMEI नंबर का मोबाइल किसको सेल किया? तो सिंपल सा सोल्यूशन है उसके लिए रेंडेक के पास। आप सीधा POS में जा सकता है, गेटी डेटा में जा सकता है, इधर सीधा देखो IMEI नंबर इधर स्कैन करेंगे। मैंने स्कैन कर दिया IMEI नंबर, एंटर मार दिया, तो तुरंत वो जो आदमी कौन आदमी को हमने सेल किया है वो इंफॉर्मेशन इधर पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से आपने एकदम ब्यूटीफुल सिंपल सा तरीका में अपना मोबाइल शॉप का बिजनेस चला सकता है रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।